हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, आज सेकंड डे ऐसा कंटिन्यू है जहां पर हमें क्रिप्टो मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है। कल जो मार्केट क्रेश हुआ था उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गया था, अल्टकॉइन काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे, लेकिन आज दोस्तों काफ़ी हद तक मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली। कुछ अल्टकॉइन ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिकवर किया, कुछ मीम प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिकवर किया। तो ओवरऑल मार्केट दोस्तों फिर भी आज हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अराउंड 1% जो मार्केट है वो आज भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है लास्ट डे से। साथ ही ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप भी आज डाउन देखने को मिल रही है। कल जो 153 ट्रिलियन के समथिंग थी, आज 149 ट्रिलियन के समथिंग आ चुकी है। तो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप भी दोस्तों आज फिर हमें डाउन देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अब बात यह आती है कि अब आगे मार्केट में क्या होगा, क्या मार्केट और यहाँ से डाउन जाएगा या फिर मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, क्या शिबा इनू कॉइन या दूसरे अल्ट कॉइन में हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना चाहिए, डीप में क्या बाय कर लेना चाहिए। तो दोस्तों पूरा मार्केट अभी फिलहाल डिपेंड कर रहा है बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन पर दोस्तों अभी भी संकट के बादल छाए हुए हैं। आज भी बिटकॉइन हमें 2% डाउन देखने को मिला, 41,000 के समथिंग बिटकॉइन के जो प्राइस है, डॉलर में बता रहा हूँ, $41,000 के समथिंग बिटकॉइन के जो प्राइस है आज आ चुका था। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर स्थिति जो बिटकॉइन की है वो क्लियर नहीं हुई है। कजाकिस्तान की ओर से जो न्यूज़ निकल के आ रही थी, वहाँ के जो इंटरनेट है अभी भी बंद है, शटडाउन किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ का जो इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ है। और जब तक वहाँ पर इंटरनेट नहीं चालू होगा दोस्तों, जो बिटकॉइन की वहाँ पर माइनिंग है, कजाकिस्तान में बड़े लेवल पर बिटकॉइन की माइनिंग होती है, वो स्टार्ट नहीं होगी। और जब तक वहाँ पर दोस्तों माइनिंग स्टार्ट नहीं होगी, बिटकॉइन का हैश रेट हमें डाउन जाता हुआ नजर आएगा, और बिटकॉइन के और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। कुछ कॉइन के लिए दोस्तों अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे माना के लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आई। उसके बाद माना ने यहाँ पर सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो माना की एक बड़ी पार्टनरशिप हुई सैमसंग के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो, सैमसंग डाइव्स डीपर इनटू मेटावर्स यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड माना। तो दोस्तों यहाँ पर माना के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद माना में काफ़ी अच्छा पंप हमें, अराउंड 16% का पंप आज माना में देखने को मिला। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उनके प्राइस में हमें थोड़ा सा पंप भी देखने को मिल रहा है। आप माना को देख सकते हो, 209 के समथिंग चले गया था, अभी 256 के समथिंग जा चुका था, तो काफ़ी अच्छी इसमें रिकवरी देखने को मिली। साथ ही दोस्तों शिबा इनू कॉइन और डॉज कॉइन के लिए भी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो हो सकता है कि जल्दी हमें यहाँ पर डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन में भी पंप देखने को मिले। आप देख सकते हो, AMC थिएटर ऑन ट्रैक टू एक्सेप्ट डॉज कॉइन एंड शिबा इनू पेमेंट इन Q1, CEO कन्फर्म। दोस्तों Q1 में डोजकॉइन और शिबा इनू कॉइन का जो पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं, Q1 आपको पता ही होगा जनवरी से मार्च तक रहता है, तो कभी भी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। और AMC थिएटर दोस्तों एक बड़ी कंपनी है और लार्जेस्ट दोस्तों थिएटर चेन है वर्ल्ड की, तो ये जब भी यहाँ पर इन्हें एक्सेप्ट करेगा तो इनमें भी दोस्तों एक हमें पंप देखने को मिलेगा, जैसा डिसेंट्रलाइज माना में देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर फियर वाली कंडीशन बनी हुई है, और भी यहाँ पर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि जब तक बिटकॉइन की वहाँ पर कजाकिस्तान में माइनिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पर इसके प्राइस में हमें कोई पंप देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक इसका हैश रेट डाउन होगा, बिटकॉइन का प्राइस भी हमें डाउन जाता नजर आएगा। और काफ़ी क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि बिटकॉइन यहाँ से $38,000 तक भी जा सकता है, या उससे भी डाउन जाने के चांसेस है। $37,000-$38,000 के समथिंग बिटकॉइन का जो प्राइस है वो जा सकता है, यानी यहाँ से 3-5% और भी डाउन जा सकता है। और अगर बिटकॉइन इतना गिरता है तो जितने भी अल्ट कॉइन है दोस्तों वो भी हमें यहाँ से गिरते हुए नजर आएंगे। तो अभी दोस्तों अगर हम बात करें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो आपको दोस्तों यहाँ से 4-5 पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप डीप में बाय करना चाहते हो तो आपको लगभग, अगर आप ₹100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 25-25 के 4 पार्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी कुछ कॉइन बाय कर लीजिए, कुछ कॉइन और अगर डाउन जाता है तो वहाँ पर बाय कीजिए, कहीं और थोड़ा सा अप होता है तो वहाँ पर बाय कीजिए। ऐसे 3-4 छोटे छोटे अमाउंट में दोस्तों आप बाय कीजिए, एक साथ बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं कूदना है। काफ़ी लोग सोच रहे हो अभी मार्केट डाउन चले गया है, हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, नो रिस्क नो गेन। तो दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर रिस्क लेना, हमको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है अगर मार्केट पंप हुआ, लेकिन मार्केट के डाउन जाने के चांस अभी ज़्यादा बन रहे हैं। तो मार्केट अगर डाउन जाता है तो हमें लॉस भी हो सकता है, इसलिए आपको 3-4 छोटे यहाँ पर पार्ट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है। और आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे डिसेंट्रलाइज माना, इसमें काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिल रहा है। साथ ही कार्डेनो, XRP, फिर एटम कॉइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एटम में आप कर सकते हो, पॉलीगन मेटिक में कर सकते हो, तो अच्छे प्रोजेक्ट में आप भी अभी आप जा सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के फैन हो तो इथेरियम और बिटकॉइन सबसे अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।